आज फरवरी के 2 तारीख है। मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग अब फरवरी के नाम करेंगे, क्योंकि जनवरी 1 साल के बाद में हम लोग फिर जनवरी के जिक्र करेंगे। इस वक्त हम लोग फरवरी के बारे में बात करते हैं। आज 2 तारीख हो चुका है। मिनिस्टर लेफंस, मारी लेफंस, मिनिस्टर फॉर ऑंडरवेज एंड कल्चर, मारी लेफंस, इनका विचार है कि स्कूल या स्कूलों सूरीनाम में इसी हफ्ता में, आने वाले हफ्ता में यानी शुरुआत हो जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल यार 20 मिनिस्टर का विचार है भाई जी कि COVID-19 तो है बीच में, लेकिन कुछ मॉडल तैयार किया, कुछ इंस्ट्रक्शंस तैयार की है स्कूल लीडर्स लेयरक्राफ्टन के साथ, बातचीत हुआ है कि स्कूल किस तरीका से शुरुआत होना चाहिए। इन दिनों के हालात देख करके हर स्कूल में तरह तरह के मॉडल जिस तरह से है कि स्कूल को शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि स्कूलियन लेयरलिंगन को बहुत दिन छोड़ देने से, स्कूल के बाहर रखने से वो लोग बहुत पीछे चला जाएगा ऑन्टवेकलिंग में, पढ़ाई में, सब कुछ में। इसलिए लेस पैकेजिंग तैयार किया गया है और स्कूल का शुरुआत अब होने को जा रहा है। चाहती है कि स्कूल के बच्चों के मां बाप, उनकी फरसरखत जो उनकी सेवा करता है, सब लोग जो एक मत होकर के एक विचार से जब ये काम होगा तो स्कूल के लड़कन स्कूल में पढ़ने लगेगा, क्योंकि वो लोग को भी ऑन्टवेकलिंग के लेना जरूरी है। और हर एक लड़कन हर एक साल में उन्हें एक दूसरा क्लास में ऑफर होना चाहिए, जाना चाहिए, वरना बहुत पीछे हो जाएगा ये लोग स्कूल के कारोबार में और बहुत मुसीबत हो जाएगा फिर उन लोगों को ऊपर आने के लिए। द स्कूल एंड खान वेयर ऑन द स्लाख मैट मिल्टी आन पक, ये मिनिस्टर मारी लेफंस के तरफ से सूचना दी गई है। जब देखो कि सूरीनाम में भी लोग विचार करते हैं, वो जो फैक्शन तैयार है बेटलांत में, सूरीनाम में भी ये मंगाया जाता है। सूरीनाम भी, देश सूरीनाम भी खरीदेगा। एस्टलादेन फैक्शन के बात वो कर रहा है। जेफन डर तक लंदन 37 मुल्कों, एट नॉर्थ एंड जेट अमेरिका वार ऑन द ओक सूरीनाम, ये ट्वेड हेल्फ ऑफ फरवरी तक एंड मै ट्वेड क्वार्टाल फन 2021 एक पार्टे अस्त्रा जनेक का फक्स है यानी ऑर्डर कर सकता है। प्यारे भाइयों, ये पैन अमेरिकन खजोंत है इस और खानिशासी पाहो एक चिट्ठी द्वारा इन मुल्कों के लिए भेजा है कि आप लोग को ये जो फक्से है जिसका नाम मैंने लिया अस्त्रा जनेक का फक्से, यही आप लोग को काम में लाना चाहिए। सूरीनाम के बात यह है भाई जी, तो जाने हैं कि कितने मुल्कों में इस वक्त फक्से पहुंच रहा है। 18 मुल्कों में जैसे
अमेरिका, बोलिविया, कोलंबिया, एल साल्वाडोर, पेरू, सगरो ये फैक्शन जा रहा है और शायद यही एक भलाई है देश के लिए, जनता के लिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कोरोना वायरस ये कोविड 19 हमारे देश में कितनी लोग का देहांत हो गया, हो चुका है। ये बड़ी अफसोस की ये बात है और ये दुख की बात है कि रोजाना लोग बसमैत होता है देश के अंदर में, दुख की ये बात है। भैया जी खबर मिला बीना से कि इतवार को वहां 2-3 जगह पर लोग गोलियां चलाया है, पिस्तौल गोलियां, वहां पर पता चला है कि अजुमा प्रोजेक्ट में 2 मोटर गाड़ी वहां पर गया है एक आदमी को तलाश के लिए। 2 voertuigen gingen op een adres. Uit deze voertuigen stapten toen enkele mannen. Zij zochten naar iemand, maar konden die niet vinden. लेकिन जब जाने लगा ये लोगन तो गाड़ी बैठ करके तो गोलियां चलल है। Bij vertrek losten zij schoten. लेकिन किसी पर गोली नहीं चलाया, ये ऊपर में या कैसे चलाया। 4 आदमी फिर एक जगह गया, वहां पर वही आदमी तलाश के लिए। वेक्नर पपटा वहां भी गोली चलल है, फिर एक जगह गया, फिर वहां गोली चलल है। ये अल्बिना के तरफ के बात है भाई जी। इसी कारण से सूरीनाम का रेगेरिंग द वेलिगेट फॉर अल्बिना इज अपगेफोर्ड, जैसे मैंने कहा कि वहां पर गोलियां लोग जाकर के चलाया है, इसलिए सिपाही मरवीना जिकन है इसके आसपास में परमानेंट रोड ब्लॉक्स तैयार कर दिया है, यानी गाड़ी को सब रुकना पड़ेगा। और इसे सोफियान से देश भी वहां पर मिनी रोड ब्लॉक्स अल्बिना में शुरुआत हुआ है, क्योंकि जब लोग जाकर के और गोलियां चलाते हैं, किसी के तलाश में है, किसी को गोलियां चलाना चाहते, किसी को कत्ल करना चाहते, तो सिपाही ये बात इसी तरह ऐसा खबर सुन करके और चुपचाप घरे आराम नहीं करेगा, तो सिपाही पहुंच करके रोड ब्लॉक्स वहां तैयार किया है, सब गाड़ी को रोक करके अब कंट्रोल होने को जा रहा है। भाई जय देश के निवासियों, देना आज है सौदलक फरखादरिंग में जो सेल्फियो अकीम बोतो जो एनडीपी का असेंबली ले था, चिट्ठी लिख करके इस्तीफा दे दिया है। इसी कारण से नेशनल असेंबली आज 12 बजे एक सभा कायम की है सेल्फियो अकीम बोतो के सिलसिले में, क्योंकि वो चिट्ठी द्वारा नेशनल असेंबली के कुर्सी के लिए बदंक किया है, इस्तीफा ले लिया है। अपने चिट्ठी में एनडीपी से इस्तीफा ले लिया, अपने चिट्ठी में अपना असेंबली का कुर्सी एनडीपी को वापस दे दिया। उसी चिट्ठी में अकीम बोतो ने लिखा कि हम कोई और पार्टी में नहीं जाएंगे, हम पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हो चुके हैं। ये 4 बातें लिखी चिट्ठी में। जब ये चिट्ठी के बारे में आज है सौदलक फरखादरिंग में ये सभा शुरुआत हुआ तो अकीम बोतो भी वहां पहुंच गया, सेल्फियो अकीम बोतो। प्यारे भाइयों, असेंबली का फोर्स सेटर मरिनस बे का कहना कि अकीम बोतो को निमंत्रण नहीं भेजा गया है असेंबली में आने के लिए,
लेकिन अकीम वो तो जब सभा शुरू हुआ तो वो साल में आकर के बैठ गया, और इसी कारण से प्रोफेसर मारिनस बे ये सभा को तुरंत खर्च कर दिया और कहा कि अकीम वो तो असेंबली व्यक्त नहीं है। तो जब सभा फिर शुरुआत हुआ तो अकीम वो तो निकल के चला गया, क्योंकि जब एक इंसान एक मरतबा चिट्ठी लिखत है या नेशनल असेंबली में चिट्ठी पहुंचा है या प्रेसिडेंट के पास चिट्ठी पहुंचा है, उसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास नहीं होना चाहिए और कहीं नहीं। प्रेसिडेंट इस देश का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है जिसे लोग कहते हैं, नेशनल असेंबली भी। और जो चिट्ठी वहां गया इसका कहने का मतलब है कि अकीम वो तो यानी अपना इस्तीफा ले चुका है, अब जो वापस आना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है। लेकिन अब लोग ने असेंबली के अंदर में कुछ ना कुछ कर रहा है सेल्फियो अकीम वो तो के वास्ते, लेकिन कानून तो कानून भाई जी, अगर कानून हर एक के लिए है तो ये कानून हर एक के लिए होना चाहिए कि चिट्ठी जो असेंबली में पहुंचा है अभी यही तफरा पर है या एक वक्त तफरा पर है, लेकिन वो असेंबली के अंदर आ चुका है या प्रेसिडेंट के पास आ चुका है, एक मतलब ये है कि वो इस्तीफा ले चुका है, अब वो चिट्ठी का इंतरक नहीं कर सकते हैं। अगर असेंबली ये काम विचार से काम न करेंगे तो हकीकत में जिसे लोग ने मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं असेंबली के नाम पर, वैसे उड़ाते रहेंगे। इसी वास्ते से जो अकीम बोतों के नीचे वही एक अंधे पियर है, उन्हें अंदर आना चाहिए, जिस ऑब्सक्राइब होना चाहिए सेल्फी अकीम बोतों को हट करके, उनके नीचे जो था एनडीपीएल उसको अंदर आना चाहिए, उन्हीं के पार्टी के आदमी है, उनको नुकसान ही नहीं है उस पार्टी का, एनडीपी निकलता है और एनडीपी भीतर आ रहा है ना। तो चिट्ठी के बाद जो है द ब्रीफ ना द प्रेसिडेंट, द ब्रीफ ना पार्लियामेंट, चाहे पार्लियामेंट अभी तक कुछ न किया, वो चिट्ठी इस आनखबोजन इनखबुक्त, और इन खबूक के मतलब यह है कि वो चिट्ठी एक्सेप्टेड हो चुका है। जब एक्सेप्टेड पार्लियामेंट ने चिट्ठी कर लिया है, प्रेसिडेंट एक्सेप्टेड कर लिया, डन इस अनसलाह अनफेल्ट, इनमें कोई डस्कंदक है कि जरूरी ना है, ला दे यूरेस्ट खाचुक, जब चिट्ठी आ करके और पार्लियामेंट में इन बुक हो गया है, दिस आउस ऑनफानन पार्लियामेंट में और या प्रेसिडेंट के पास, तो ये मामला वही खत्म हो जाता है। प्यारे जनता, हमारे देश के लोग मिनिस्टर रामदीन जो वेल्टलान साग का मिनिस्टर है, इंडोनेशिया से टेलीफोनिस कुछ बातचीत करते हैं और बातचीत किया है, ये दो मुल्कों को मिलकर के आगे बढ़ने के लिए। श्रीलाम इंडोनेशिया हैव एन हिस्टोरिस फरबोंडन हेट, और इसी कारण से मैंने सचाते कि इंडोनेशिया के साथ श्रीलाम आगे बढ़े, रोजगार करे, समझे ना। तो देखो ये मामला बातचीत हो रहा है इंडोनेशिया और सूरीनाम, इंडोनेशिया से कोलेखा मार्सुदु और मिनिस्टर रामदीन, इन दोनों में बातचीत हो चुका है। हम आप जनता के सामने ये बात रखने के लिए जा रहा हूं भाई जी,
कि हमारा देश का रेक्टर रेक्टर मौर्य दयाला कल जब रोमानो देई को गवाह के रूप में सवाल उठा तो बात ऐसे भई है कि 6 किलोग्राम कोकाइन एक हवाई जहाज के कुकरू में ये लोग जाकर के रखे हैं। यही मुकदमा के बारे में जिक्र हुआ है। रोमानो ने जहां तक पता है ये जाकर के रखी से, ये सब वहां फिल्म में देख रहा है ना? तो ये लैंड फ्लिक्टर वहां जाकर के 6 किलो ड्रग्स वगैरह जाकर के रखा है। अब रोमानो क्या क्या बात करता है जज के सामने? रोमानो दे सख दत है तेईस हश खबर बोले घरे ये हश इस्तेमाल करता है, हश वो भी एक ड्रग्स है। बोले 5 साल से हम ड्रग्स फरब्राई कर है और 6 साल से लोग छाप में हम काम करते हैं। ये सेटिंग पर ये रेक्टर मौरिन गयाला के सामने ये बात कर रहा है कि वो हश छींचता है, वो ड्रग्स को ब्रोई कर है, 6 साल से लोग छाप काम करते हैं। तो रेक्टर क्या बात कर रही है? आज ड्रग्स को ब्रोई कर हो ये दार नितेश डायरेक्टर ऑफ द ऑफिसी फजिस्टीसी शांता महादेव। प्यारे जनता, अब आप तो समझ गए हैं यही चटानी रहेगा, लेकिन कानून तो सबके लिए मौसी, कानून सबके लिए है। हर एक या छोटा हो या बड़ा हो, मोटा हो या छोटा हो, नट 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 छोटी हो या लंबी हो, सबके लिए कानून है भाई जी। ये लोग जो कोकाइन स्मगल किया, एक मर्तबा ये लोग ने गिरफ्तार हो गया है, कई मर्तबा और किया होगे या ना किया होगे, लेकिन एक दफे जब पकड़ा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही दफे गया है, एक ही दफे गया था और एक ही झटका गिरफ्तार हो गया। नहीं भाई जी, बहुत गजब के बात है बाप, बहुत गजब के बात है। तो इसी कारण से बहुत से लोग जो खूब पैसा कमा लिया है, गुनाह के तरीका से जो पैसा कमाए हैं, मौज करता है, मौज करते हैं राजा के तरह। इसीलिए सूरीनाम में लोग ने कहता है प्रभु परमात्मा या अल्लाह से पूछ रहे कि ये प्रभु सवाल उसे करे ना कि कोई खुश है कोई रो रहा है, कोई खुश है कोई रो रहा है, मेरा मालिक ये क्या हो रहा है? समझे ना भैया? तो यही बात है कि जो पैसा कमाया है तो खुशी में है और जो आज गरीब तो वो रो रहा है। तो ये बात आपके काम में पहुंच चुका है। अब देखो जो भैया जी एक बैंक के डायरेक्टर के साथ मिलकर के और एक पॉलिटिक पार्टी के साथ मिलकर के श्रीराम से पशुपार बांध के बात हम कर रहे हैं, खूब पैसा कमाया। यह है त्रिनिदाद का एक पॉलिटिक एनालिस्ट जिसका नाम है डेरेक रामसमुज। डेरेक रामसमुज ये 20 दिसंबर को इन्हें रखकर रिहाई कर दिया है, लेकिन ये सूरीनाम में अभी तक है, ये सूरीनाम छोड़ नहीं पा रहा है। एर एसेस डिजन अमेरिकन से डॉलर एंड कैश हेल्प फॉर द मन इन बसलाखनोमन, ये पैसा उन्हें नहीं दिया जाता है। ये आदमी ने, इनकी पत्नी ने बेल्टलान से $300 भेजते हर एक हफ्ता या हर एक महीना, वो भी बसलाख में है या उन्हें वापस दे दिया गया है।
Zijn vrouw is in het buitenland en kan per keer slechts $300 overmaken. Je aadmi appartement mein rehta hai. Kharcha bahut zyada hai. Ye Suriname se jana chahte hai lekin ja nahi pa raha hai. Kyunki ye $6,000 inko milna chahiye. Tab ye kahin ja sakte hain. प्यारे भाइयों, ये श्रीनाम से पोस्ट पार बैंक के साथ मिल करके न जाने क्या क्या ये लोग ने किया था। इसी कारण से ये आदमी ने गिरफ्तार था और वहां का डायरेक्टर बैंक का अभी तक वो गिरफ्तार है। एक आदमी, एक औरत जिसका नाम सारा हा एक फ्रिंडेन के साथ एक परिवार के मकान पर गई है। सुनिए तमाशा काकी। सारा हाखिंग ऑफ 17 जनवरी सामन मेट ए फ्रिंडेन हर मुदर एंड नोख आंद्रेन बे ईमान ऑफ बजुक। सारा हा एक फ्रिंडेन मैया और कुछ लोग 17 जनवरी को यानी कि एक परिवार के पास या किसी से मुलाकात करने के लिए ये लोग ने गया। प्यारे भाइयों, जो घर है ये लोग ने गया, जिसकी मकान में ये लोग गया है, उस मकान के मालिक का दोस्त अविनाश है। अविनाश उस घर के मालिक, उनका मालिक का दोस्त का नाम अविनाश। ये शुरुआत की सारा हा को छेड़छाड़ करने के लिए। अब सारा कहीं सुघर औरत है या कैसे पता नहीं, लेकिन ये भैया अविनाश ने शराब पिए हुए थे। है फर केयर दे फर मुदलक ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। सारा हा फ्रिंडेन से गुजारिश की कि यहां से चल चले भैया, ये आदमी हम लोग को बड़ी तंग करता है, हमें छेड़छाड़ करता है, यहां वहां छुअत है। तो जब सारा और फ्रिंडेन वहां से जाने लगा, अविनाश सौहार ऑफ अन खेई फ्रॉम मोमेंट अन फैसला है तू खबरा वार्डो से बखंत ब्लुदन। अविनाश ने जब देखे कि सारा जा रही है तो भैया जी ऐसा घूसा मारिस बेचारी के कि ओकर मुंह में से खून खून तरफने लगा। तो ये सारा क्या किया फ्रिंडेन के साथ गए वही कुकुरों में जिसके परिवार के घर ये लोग गए थे। कुकुरों में कोई कर रंचे में जग गया है तो दरवाजा को बंद कर दिया, क्योंकि वो डरती थी कि अविनाश कुकुरों भी आएगा, क्योंकि अविनाश तनी ताजा फ्रेश बहुत इंसान है ना, वो ठेल ठाल ज्यादा कर रहा है। तो सारा हाँ अपने बचाने के लिए छुरी है सब कुछ वहां है, लेकिन सोच लाओ हम तेल गरम करके और उनके ऊपर तनी से फेंक दिया जाए ताकि वो हमसे दूर रहे। प्यारे जनता, सारा हा ने हेट ओली तेल गरमा करके खूब बप्पा फर्नाइश पर गरमा इसको तेल और करी सब क्या वन से हेट ओली ऑफ हम खोल दे। घर के मालिक दौड़ते दौड़ते आज वह भी तरी से जरूर गया। सारा आज की गिरफ्तारी हुआ। प्यारे जनता, अब आप तो समझ सकते हैं यह कोर्ट कचहरी हो रहा है। कोर्ट कचहरी होता भैया, अविनाश को गरम तेल से उन्हें जला दिया उनका शरीर, अविनाश का शरीर, क्योंकि अविनाश ने इस औरत को घूंसा मार करके गिरा दिया जमीन पर। और वो आखिफ्ता भी जाकर की थी 17 जनवरी को,
और फिर उधर से भी आखिफ्त के मफरों ने गरम तेल अविनाश के ऊपर फेंक करके उनका शरीर को जला दिया। अब कोर्ट कचहरी हो रहा है भैया जी, औरतों लोग औरतों को छुड़वाना चाहती है, अथोकात लोग औरतों को छुड़वाना चाहती है। फ्राइडाग इज द फॉरसेकिंग, इज द फॉरसेकिंग स्टेलिंग फॉर सारा हा रहमत खतुष्ट, समझे ना। दिस अब सारा हा को सिपाही गिरफ्तार कर लिया है। ये 17 जनवरी को अविनाश के ऊपर तेल गरमा करके खासपुर नईसुन मौसी और उझेल दिया अविनाश के ऊपर, उनका शरीर जर गया बप्पा। अब सारा हा जेल में है। अब देखो मुकदमा आगे चलेगा और फिर देखो फ्रॉव कमिटी आजकल बहुत कम है देश में। कुछ जमाना पहले हमेशा फ्रॉन कमिटी फ्रॉन और खानी साहसी सामने कूद पड़ता था, अब सब तो भीतर चला गया। कोई असेंबली लेट हो चुकी है, कोई मिनिस्टर है, कोई और बड़का बड़का दर्जा, तो यही कारण से फ्रॉव और खानी साहसी अब कम हो चुकी है। अब आप सुनेंगे और कुछ बात काकी। सूरीनाम देश बहुत ऊंचा चल गया काका, बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गया है। अब सुनिए, खपेंशनेर द लेर क्राफ्ट, एक लेर क्राफ्ट एस बिशुन देव, खपेंशनेर द लेर क्राफ्ट एस बिशुन देव, इन पर इल्जाम है नवेंद्र राम पदारत को सितंबर के 12 तारीख उन्हें हत्या की है। यह मुकदमा अब आगे बढ़ा है। हपेंशुने जो लेर क्राफ्ट एस बिशुनदेव, इन पर इल्जाम है कि वो 12 सितंबर को नवेंद्र राम पदारत को कत्ल की है, हत्या की है, गोली मार दिया है। अब यह कोर्ट कचहरी हो रहा है। अब एडवोकेट बीच में आया, क्योंकि एडवोकेट का यही काम है जितना बचा सके इंसान को उनको बचाना चाहिए, तब वैसा एडवोकेट को ढेर ढेर पैसा मिलता है, उसके बोले होनोरारियम। प्यारे भाइयों, अब यह एडवोकेट क्या कहते जज के सामने, राष्ट्र हमारा जो क्लियंट है वो अंधा है, वो बड़ी कम देखता है, या बेगल ब्रेल से कुछ नहीं देख पा रहा है। द एन द कॉन्क्लूसिव एडवोकेट जो लिया है दी ए कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द मैन मस्ट हैव लाइक ब्लाइंड इज। तो आप बताइए रेक्टर एस बिशुनदेव कैसे उनको गोली मार सकता जब वो कुछ देखता ही नहीं। एडवोकेट आप तो जानते कि के है के हो सकता है ना। तो ये मुकदमा में अब जो आदमी ने जिसका जिसका जिस पर इल्जाम है कि एक दूसरा भाई को कत्ल की है, एडवोकेट कहते कि वो आदमी चाहे गोली चलाई हो ना, हाकल्स वगैरह यहां पड़ल हुई वहां पड़ल हुई, लेकिन वो अंधा भाई, अंधा आदमी कैसे गोली चलाई। 15 फरवरी को यह मुकदमा फिर आगे आएगा। खपेंशनेर द लेर क्राफ्ट इन मोर्डसाक ब्लेफ्ट आनखोहोडन। एक आदमी हल्ला हुआ कि क्लेन शर्मा का स्त्राट, क्लेन शर्मा का स्त्राट जहां पर ABS है, जहां पहले सिनेमा जसोदरा था, सिनेमा जसोदरा क्लेन शर्मा का स्त्राट में, वही के बगल में तो रीवा है ना, सूरीनाम रिफीर। एक मच्छर मरवा जाल लगाने के लिए जा रहा था
तो देखिए एक आम के पेड़ में, एक आम के पेड़ में एक आदमी ने आत्महत्या की है, मतलब कि फसरी लगा लिया है। प्यारे भाइयों, ये फिश नेट लेकर के जा रहा सूरीनामरी फील्ड में, यानी जाल लगाने के लिए, मछली पकड़ने के बात हम कर रहे हैं ना, लेकिन क्या देख रहा है? जाखन मान हैंगलन आन अंतो एंजल माई बोम। बस जब ये देखी बप्पा कि ये तो मर गया बेचारा, तो हल्ला दंगा मचाई से। एक नौजवान होगा 20 तो 25 यार। जब भाई जी है यहां खेच कोई सल आन। अब देखो भाई जी, बेज पुलिस ऐसा खेन आखिर तूफान परमेश्वर खदान। तो अब वे पता ना कि के है अदमिया, के है, इसका नाम क्या है, कहां से आई है ना। अब ये बात ऑन द सुख हो रहा है। एक ऑन द नेमर ऑन द अफिजाबा स्ट्रात, भैया जी ये ऑन द नेमर इन्हें ऐसा पिटाई पीटिन है भाई जी, खसखोप एंड बुद्रेख दोरन हीरदर, हीरदर एक हीरदर जो भाड़ा लेकर के वहां रहता था, निशानदले बुद्रेख आंख हो जन एने फरसिए के खस्ता याद में द फरदाख्त हीरदर अन कामर बैग द ऑन द नेमर, समझेगा। लेकिन क्या देखे में आया है कि कोई डाकुओं ने जिसे ये बातचीत कर रहा था, और वही दो डाकू ने आकर के इस ऑन द नेमर का ढेर से पैसा लूट के चला गया। कामरा बेंच पर यह आदमी का नजर आया भी, इसी कारण से इनका नाम भी है लिस्ट पर, और ये आदमी भी गिरफ्तार हुआ है। तो देखो हम लोग इंतजार करते भाई जी ना, कि मामला बिगड़ते जा रहा देश में, बिगड़ते जा रहा है, समझे ना। एक मामला यहां है रोबर्टो पेई फेल्फन फेटिक यार, ये अल्बिना में गिरफ्तार हुआ है। एजन डेटिक दिसंबर को वो ढाका डारी से वही कहीं दुकान रहा भाई जी, समझे ना। ये पैट्रिक अपाई के साथ ढाका डारी से, अपाई इस डोट आन खुतरोफन आन द लिलियन डालवेक मैट स्कॉट फॉर बॉन्डिंग। ये पता नहीं है कि पैट्रिक अपाई को किसने हत्या की है। हो सकता है कि रोबर्टो ने उन्हें हत्या की है, इसीलिए रोबर्टो पेई को अब गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उनका साथी पैट्रिक अपाई का मौत हो गया है। एक मामला भैया, बड़ी हिंसा तानी के मामला ये है, और हम बात करने जा रहा हूं भैया रशीद दुखी और महेश पाल सिंह के बारे में। बड़ी जमाना से इन दोनों में हिंसा तानी है, क्योंकि वाकनेगन एनडीपी के राज में महेश पाल के लिए या उन्हें बेच करके दिया गया, या एनडीपी उन्हें इनाम के तौर पर दे दिया। जॉनी महेश पाल सिंह के बारे में आप जानते हैं, द स्टेक्टिंग मशीनाल लंबो एसएमएल। लेकिन आप तो जानते हैं महेश पाल सिंह एसएमएल के नाम पर नहीं, बल्कि वह अपना बद्रेफ के नाम पर वहां कारोबार शुरू किया है, और उनका बद्रेफ के नाम है सामा ग्रुप। तो भाई जी ये मामला धीरे धीरे बिगड़ गया,
ऋषि दुखी निकिरियान, महेश पालसी निकिरियान दोनों एक संग हत्या थे, अब दोनों अलग के, अब देखो शायद मुकदमा चलेगा, क्योंकि ऋषि दुखी ने कहा महेश पाल सिंह से कि एडवोकेट के तलाश करो, मुकदमा चलेगा, क्योंकि एक नया बस्तीर मिनिस्टर फॉर एलफेफे कायम किया है, और कहे के महेश पाल सिंह के नाम पर जो बदरेफ इस वक्त है वो बदरेफ वापस लेकर के वाखरियन के बात हम कर रही हैं, ला करके सरकार के नीचे एलफीफे के नीचे करने के लिए। वैसामा ग्रुप उसका मालिक जॉनी महेश पाल सिंह है। वैसामा ग्रुप वो पुराना एसएमएल के खबाव मशीन वगैरह खेत वगैरह सब वही है, लेकिन ये नाम बदल दिया है, एक स्टेक बस्ती बना है श्रीमान गीता प्रसाद गंगाराम पांडे प्रेसिडेंट कमिसारस। श्रीमान गीता प्रसाद गंगाराम पांडे कुछ साल पहले एसएमएल के कारोबार के लिए उन्हें ठहराया था वो एलफीफी का मिनिस्टर उन दिनों में, साथ ही साथ ये नया स्टेक्टिंग में गीता प्रसाद गंगाराम पांडे प्रेसिडेंट कमिसारस के अलावा रशीद दुखी, मयंका डोमिनी, योशक जुकू, जितेंद्र कल्लू, एमरू मंगली, अश्विन रामदीन, इन लोगों के चाहिए स्टैट्यूट जो वहां पर है, स्टेक्टेंग का बस्ती जैसी सा स्टेक्टेंग जैसे है, उसको ठीक रूप में विचार करके पढ़ के और ये नया एसएमएल के जो स्टेक्टिंग है इनको चाहिए वैसामा ग्रुप को वापस लाने के लिए एलफेफे के नीचे ला करके रखने के वास्ते। इसीलिए रशीद दुखी ने कहा महेश पाल सिंह से कि भैया जॉनी एक जबरदस्त या मजबूत यानी एडवोकेट को तलाश कर लो, क्योंकि अब मुकदमा चलने वाला है, 3 महीना के भीतर में ये नया स्टेक्टिंग को सामा वैसामा ग्रुप के बारे में रिपोर्ट बना करके बताना चाहिए कि मुकदमा लड़े से वापस आ जाएगा या भैया एसएमएल के नाम जो बदल गया और श्रीमान महेश पाल सिंह जो वहां कमकर्ता रख करके काम करता है, उन लोगों को तनख्वाह देते हैं और कर्जा भरता है और वगैरह वगैरह जो क्या होगा, तो मुकदमा में ये ही चातानी सालों बरस रहेगा, एक बरस में ये मुकदमा खत्म नहीं होगा। भाई जी आप तो जाने कि कितना मुकदमा कितना साल हो चुका है, अभी तक उसमें फैसला हो नहीं पा रहा है, बहुत से मुकदमा। एक और खनिशासी सेंट्रल फन फेसर्स हाफन्स इन सूरीनाम सेफी हास, सेफी हास भैया आज इन्होंने पे तिथि जाकर के दिया है। पहला था द फिशर प्रेसिडेंट, दूसरा असेंबली फोर्सेटर न असेंबली फोर्सेटर मरीनस बे, और तीसरा एलफीफे का मिनिस्टर सेफी हास। आप तो जानते हैं कि वहां के बॉम्ब फोर्सेटर है दयानंद द्वारका जी। यह मामला कुछ बोट के मामला है, बोट कि बोट को अब कहीं और जाकर के बांधना चाहिए, लेकिन सेफी हास एनफे वो सेंट्रल फोर फेसर्स हाफन से सूरीनाम है। शायद मिनिस्टर ने कहा होगा कि कुछ बोट और अलग दूसरा जगह जाकर के लोग को बांधना चाहिए, तो यह मजदूर के कहना है, सेफी हास के मजदूर के कहना है पेचिछे में कि ये लोग करीबन 40% कमाई में ये लोग का नुकसानी होगा। भाई जी ये एक ही बदरेफ है,
जो शिव सीधी से नहीं चलता है। ये एक ही बदलाव श्री राम का है सरकार के, जो अपने ताकत से ये बदलाव जिंदा है। और इसी कारण से फगबोंट दयानंद द्वारका फोर सेटर वो चाहते कि मिनिस्टर अपना फैसला बदल दे, क्योंकि एक ही फेसस हाफन जो श्री नाम में सेंट्रल वो है सेफी हास, और वहीं पर सब वोट होना चाहिए। अगर वहां से वोट हटेगा तो ये लोग को 40% का हानि होगा, कमाई में कमती मिलेगा और ये देश श्री नाम के हानि रहेगा। तो देखो मिनिस्टर अपना आवाज को तो उठाई से भैया जी बोट, और देखो मिनिस्टर क्या करता है। ए भैया जी देश के निवासियों, प्यारे प्यारे लोग, बहुत से समस्या बिगड़ते गया है, और वो है ये फीरस के बाद जो हम कर रहे हैं। ये फीरस रोजाना नई से नई लोग बस मैच होता है, नई से नई लोग बस मैच होता है। इंटेंसिव केयर में भी ज्यादा से ज्यादा लोग होने लगा, और सरकार अपना प्रोटोकॉल के द्वारा जनता को समझाते हैं समझाते हैं समझाते हैं। लॉकडाउन तो आप जानते हैं 7 बजे से 5 बजे सुबह तक रहेगा, और आने वाले शुक्रवार को भाई जी फिर से टोटल लॉकडाउन शुरू होगा, 1 हफ्ता के लिए या 3 रोज के लिए। तो ये बात आपको याद करना चाहिए, मतलब वीकेंड के बात है। लेकिन भाई जी जब रोजाना हमने सुनीला कि लॉकडाउन ओवर ट्रेजर्स को पुलिस गिरफ्तार करता है, सवन के हिसाब से औरतों भी उसी में होती है, और 350 हर एक को दार लगता है, तो इतना पैसा ये लोग भरे हैं तो संदान में गरीबताई है ही नहीं बाप, तब गरीबताई ना है। वो इतना बोलल जात है कि बाप दाम पर न जाइयो, 350 तुम्हें पैसा भरना पड़ेगा, तभी जनता जाते हैं, रात को जाता है, काल में जाते भैया भी पता नहीं है। तो तनी से सुधर जाओ भाई जी, ये बीमारी जो है न खाली आप सोचो कि आपके कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपके जरिए और कितने लोग बीमार हो जाएगा। इसी कारण से निवेदन है आप लोग से कि जब आपको रात के 7 बजे के बाद नहीं कहीं जाना है तो घरे रहो, घर पर रहो भाई जी, उसमें न खाली आपके फायदा है, आपके पूरा परिवार के फायदा है और आपके गांव भर के फायदा है। लेकिन आप छुछू 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 करेंगे ई बार में वो बार में ई नचनिया के साथ वो नाइट क्लब में वो, तो भैया खाली बीमारी आप फैलाएंगे, खाली बीमारी आप। तो इसी कारण से सरकार के जो प्रोटोकॉल है उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। भैया जी एक 8 दिसंबर स्टेटिंग है, श्रीराम के सरकार को एक चिट्ठी भेजा है, वो चिट्ठी में स्टेटिंग 8 दिसंबर ये बात चिरौरी की सरकार से कि 25 फरवरी जो देश में लोग छुट्टी मनाते नेशनल फेस्ट ऑफ मनाते हैं, इसको हटा देने के लिए सुरीनाम का प्रेसिडेंट के लिए चिट्ठी गया है, और प्रेसिडेंट ने एक कमेटी बनुम की है इस समस्या पर ध्यान रखने के लिए। फरवरी महीना शुरू हो चुका है, और आप तो जानते भाई जी ये महीना उड़ करके जाता है, न पैदल चल करके। देखो ये जनवरी के नाम हम न लेंगे इस वक्त, 1 बरस के बाद में लगेंगे, तो फरवरी के बाद हम करीला। तो प्रेसिडेंट के ये कमेटी
अगर समय पर प्रेसिडेंट को ऑफिस नहीं दिया तो 25 तारीख आ जाएगा तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए समय पर स्टेट 8 दिसंबर जो ये मांग की है उन्हें चिट्ठी द्वारा बताने के लिए कि 25 तारीख को त्यौहार रहेगा या 25 तारीख के त्यौहार निकाल दिया जाएगा, क्योंकि देश का प्रेसिडेंट पुराना प्रेसिडेंट एक पुराना प्रेसिडेंट रोनाल्ड फेलिसियान ने कहा कि 5 फरवरी को सूरीनाम के झंडा हालस्तोक रहना चाहिए, सूरीनाम के झंडा हालस्तोक रहना चाहिए। रोनाल्ड फेलिसियान ने यह बात कहा है। हमारे देश के तमाम जनता, इन तमाम बातों कह करके मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और जितने प्रोटोकॉल COVID-19 के बारे में तैयार है आप उस पर अमल करो भाई जी। बहुत बीमारी है, बहुत बीमारी दुनिया भर में, इसलिए हम लोग को प्रार्थना और दुआ के बहुत जरूरी है। मंदिर मस्जिद तो बंद है लेकिन अपने घर पर अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने सरकार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बुजुर्ग के लिए आप उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु परमात्मा आपका सुनते हैं, अल्लाह आपको सुनेंगे। दुआ करो। Marshall Straat नंबर 16 से बेबी साहिबा हेलोविस पियर खान सोमेयर खमी के साथ ये ऐलान करती है। बुध फरवरी के 3 तारीख आज 75 साल के उम्र में बेबी साहिबा हेलोविस पियर खान सोमेयर के देवर निशा फारिद और शरीन के चाचा, लड़कों के दादा और नाना, मरहूम रशीद पियर खान के भाई, मरहूम अली राजा पीर खान, मरहूमा अजीमुन पीर खान इब्राहिम के बेटा, सामिन वहका फलदोनी केरी के रहने वाले साहिब अशरफ अली खान पीर खान वफात पाए हैं। इन्हें लोग ज़्यादा अशरफ के नाम से जानते थे। आने वाले सुख फरवरी के 5 तारीख मैयत सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। 3 बजे सामिन वहका फलदोनी केरी से मैयत उठाई जाएगी। 3:30 बजे मैयत निकेरी स्टेडियम में रखा जाएगा। 4 बजे अलखमीन कब्रस्तान न्यूनी केरी में तदफीन की जाएगी। तमाम रिश्तेदार हर एक को ये खबर दी जाती है। रामसुतवेख 24 दुखी प्रोजेक्ट से सोनी सुखू और बाकी लड़के सुख के साथ सूचना दे रहे हैं। मंगर यानिवारी के 26 तारीख को 67 साल के उम्र में सोनी सुखू, स्टैनली जांतख्रंत, फैसल बारन और विजय भत्तू की माँ, सभी लड़कों के आजी अजिया सास और पराजी, श्रीमान एती स्तुखर के पत्नी, कसबा होलो मिसाला सिस्त्रात 69 के रहने वाली श्रीमती बेया स्तुखर सुखू के मृत्यु हुई है। इन्हें लोग बेया के नाम से ज्यादा जानते थे। खपेंशोनेर द फरप्लेस्टर ज्योति स्लांस हॉस्पिटल की 20 फरवरी के 4 तारीख अर्थी देखने का मौका दिन में 2 से शाम 3:30 बजे तक फांदर बॉस के औला में जोनो ब्लूम स्त्रात में, शाम में 3:30 बजे वहां से उठाई जाएगी। 4 बजे पंडित जगदेव पराख मिश्र क्रेमाटोरियम डॉक्टर सोफी रेटमो स्त्रात में बसलोता क्रेंग में दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार हेती प्रेमियों को खबर दी जाती है। पुरपरहाट स्त्रात नंबर 31 से श्रीमान राम सुमेर कौलेसर सुख के साथ सूचना देते हैं। सुख यानिवारी के 29 तारीख को 70 साल के उम्र में श्रीमान राम सुमेर कौलेसर का सार, श्रीमती राजपति कौलेसर मोहन का भाई, हेल्दा लिलियन विजय और आशा का मामा,
एक पतो दो दामाद का ममुआ ससुर, सभी लड़कों का आजा नाना, अजवा ससुर ननुआ ससुर, पर आजा और पर नाना। नीवेर खफोंदन वैख नंबर 36 के रहने वाले श्रीमान शिव मंगल मोहन की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग ओकानिया के नाम से ज्यादा जानते थे। 20 फरवरी के 4 तारीख अर्थी देखने का मौका दिन में 12 से 1 बजे तक क्रेमासी और केक पर और 2 बजे वहीं पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है। सूरीनाम और नीदरलैंड से रोसा रामधानी और बाकी लड़के सोख के साथ सूचना दे रहे है कि मंगर यानिवारी के 26 तारीख को 82 साल के उम्र में रोसा रामधानी, माला रामधानी, रीता रामधानी, एर्मा रामधानी, रमेश रामधानी, रामनरेश रॉय रामधानी और रोनाल्ड रामधानी, इन सभी की माँ, दामाद और पतो के सास, सभी लड़कों के नानी, ननिया सास और परनानी, स्वर्गीय अलविन बलराम रामधानी के पत्नी, नीदरलैंड के रहने वाली विधवा राजकली रामधानी गोवर्धन की मृत्यु हुई है। पहले सूरीनाम में वेखनारसी के रहने वाली थी। 20 फरवरी की 4 तारीख अर्थी सूरीनाम में लाई जाएगी और 6 फरवरी की 5 तारीख अर्थी देखने का मौका सुबह 8 से 9:30 बजे तक अब्दुल जमील स्ट्रात 11 पर, 10 बजे वेखनारजी पर बसलोतक रेंज में दाह क्रिया की जाएगी। बैठक 20 फरवरी की 4 तारीख तक अब्दुल जमील स्ट्रात 11 पर की जाएगी। शाम में 5 से 6 बजे तक कोफित नेहन 3 मात्र इखलन के साथ में तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है। दुबे स्त्रात नंबर 78 से श्रीमती सेल्फी अवतार जगन्नाथ सोख के साथ सूचना देती है। मंगर फरवरी की 2 तारीख को 67 साल की उम्र में श्रीमती सेल्फी अवतार जगन्नाथ का पति राजन अवतार, रेशमा अवतार और रोशनी अवतार का पिता, एक पतो एक दामाद का ससुर, 2 लड़कों का आजा, 3 लड़कों का नाना। दुबे स्त्रात नंबर 78 के रहने वाले श्रीमान चंद्रिका प्रसाद अवतार की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग बेई के नाम से ज्यादा जानते थे। अपने जीवन में खवेसन ओंदरहोफ्त बेबी एस का थे। अर्थी कब और कहाँ अंत्येष्टि क्रिया या दाह क्रिया की जाएगी RBN के आइंदा प्रोग्राम में खबर दी जाएगी। बैठक नहीं की जाती है। तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है। पिस्कस्त्रात नंबर 19 से श्रीमान हेंद्रक मैरतो तारुनो सोख के साथ सूचना देती है। मंगर यानिवारी के 26 तारीख को 82 साल के उम्र में श्रीमान हेंद्रक मैरतो तारुनो के सास श्रीमती एर्मा मैरतो तारुनो रामधानी की माँ, रशीदा मैरतो तारुनो, अंशला बुलरेक मैरतो तारुनो और गियोफानी मैरतो तारुनो के नानी, तेम बुलरेक और विश्वमोहनी मैरतो तारुनो तोमास के ननिया सास, दारी मैरतो तारुनो, अमेलिया बुलरेक और जोरेसा मैरतो तारुनो के परनानी, स्वर्गे अलविन बलराम रामधानी के पत्नी, नीदरलैंड के रहने वाली विधवा राजकली रामधानी गोवर्धन की मृत्यु हुई है। पहले सूरीनाम में वेखनारसी के रहने वाली थी। 20 फरवरी की 4 तारीख अर्थी सूरीनाम में लाई जाएगी और 6 फरवरी की 5 तारीख अर्थी देखने का मौका सुबह 8 से 9:30 बजे तक अब्दुल जमील स्ट्रात 11 पर,
10 बजे वैखनारजी पर बसलोतकरेंग में दाह क्रिया की जाएगी। बैठक 20 फरवरी की 4 तारीख तक अब्दुल जमील स्ट्रात 11 पर की जाएगी। शाम में 5 से 6 बजे तक कोविड 19 मात्रीकरण के साथ में तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है। निकेरी से बीबी साहिबा हकीमा खातून पीर खान अली बख्श खमी के साथ ये ऐलान करती है। बुध फरवरी के 3 तारीख आज 75 साल के उम्र में बीबी साहिबा हकीमा खातून पीर खान अली बख्श के खाविंद अनीस तोफाइल और जमीर के वालिद साजिया और अनीता के ससुर क्वारीसी क्वाराइशा फराइशा फिरदौस साबरिया अल्दायर और जाइन के दादा सामिन वह काफल दो निकेरी के रहने वाले साहिब अशरफ अली खान पीर खान वफात पाए हैं। इन्हें लोग ज्यादा अशरफ के नाम से जानते थे। आने वाले सुख फरवरी के 5 तारीख मैयत सुबह 10 बजे घर पर रखा जाएगा। 3 बजे सामिन वह काफल दो निकेरी से मैयत उठाई जाएगी और 3:30 बजे मैयत निकेरी स्टेडियम में रखा जाएगा। 4 बजे अलखमीन कब्रस्तान न्यू निकेरी में तदफीन की जाएगी। तमाम रिश्तेदार हर एक को ये खबर दी जाती है। Kijkers, ik heet je allemaal hartelijk welkom bij deze gloednieuwe aflevering. Mijn naam is Fausje en u bent afgestemd op Rapa's Broadcasting Network, kanaal 5.1. Een woord van dank aan onze fantastische adverteerders. De geweldige cameraman is Sagar Wat. En natuurlijk zitten wij hier in de studio van RBN met Prashana. Welkom Prashana. Wie is Prashana? Zo, dankjewel Fausje. Prashana. Wordt ook wel een raasje genoemd. Ben 29 jaar, dus jong. Ik zei 28 jaar omdat ik recent op 10 december 29 jaar, dus jong ben geworden. Geboren in het race district Nikeri. En ik heb 2 broers, een broertje en ben mijn ouders. Ja, ik ben geboren, zoals ik eerder zei, ben geboren in het district Nikeri. Ik heb daar gestudeerd. Na het examen te hebben behaald, TBO-examen, ben ik verhuisd naar de stad om verder te studeren. Hier heb ik gekozen voor de studierichting Milieuwetenschappen op de Technische Faculteit. En heb mijn bachelorstudie dan binnen 4 jaar behaald. Prashana, hoe mis je je ouders niet? Ja, natuurlijk mis ik mijn ouders. Ik heb 18 jaar lang gewoond met hun. En toen ik moest verhuizen, was ik hier alleen. Oh ja, ik woonde samen met mijn broers. Soms was ik ook, ik was heel vaak ook alleen. En heel vaak miste ik mijn ouders, vooral toen ik honger had. Miste ik mijn moeder. In de tentamenperiodes, die waren echt de zware periodes. Tijdens mijn studiefase. En toen miste ik echt mijn ouders, want ik had een beetje meer aandacht nodig. En ik moest heel veel vakken. Ik weet nog dat ik mijn eerste jaar was het zwaarst, want je moet je dan nog aanpassen. Je komt in de stad, je bent alleen. En je doet alles zelf, alle zaken zelf regelen, zelf koken, zelf schoonmaken, terwijl dat alles in Nikeri werd gedaan. En dan moet je nu hier alles zelf doen. Dus het was wel een challenge, maar dat heeft gemaakt dat ik zelfstandiger ben geworden. Ja. En niet alleen zelfstandig, maar ook nog je diploma hebt behaald voor je milieuwetenschappenstudie, toch? Klopt, ja. Waarom heb jij gekozen voor milieuwetenschappen? Toen ik mijn examen had behaald, mijn VWO-examen, wist ik dat ik voor de technische richting zou kiezen, maar ik wist niet precies welke studierichting.
ik hou nog steeds van scheikunde. En dus dan kijk ik naar de studierichtingen en dan kijk ik van hey, waar krijg ik heel veel scheikunde? En toen zag ik dat milieuwetenschappen en delenstofproductie, dus dat je daar veel te maken hebt met scheikunde. Ik kreeg heel veel scheikunde. En ik moest dan kiezen tussen delenstoffen en milieuwetenschappen. En toen trokken de vakken van milieuwetenschappen me heel erg aan en ik heb er geen spijt van. Dus ik ben heel blij dat ik voor milieuwetenschappen heb gekozen. Weet je, ik herken een stukje van mezelf daar. Ik moest toen ook een keuze maken uit die 6 richtingen op FTW, toch? En ik dacht, ik hou het meest van wiskunde. Dus ik heb toen gekozen voor elektrotechniek, omdat je daar toch wel behoorlijk veel wiskunde had. En ja, ik heb er geen spijt van hoor. Dus ik begrijp helemaal wat je daar zegt. Als uw huis in brand stond en u 1 ding mocht redden, wat zou dat zijn? Natuurlijk mijn diploma's. Ja, een heel knap antwoord. Het is Prashana. En voor Prashana nog een vraag. Prashana, zou je iets willen veranderen aan de opvoeding die je hebt gekregen van je ouders? Zo, ik ben heel erg blij met mijn opvoeding. Hele flexibele ouders. Dus op dit moment kom ik op niks waarvan ik zou zeggen van hey, dat kon beter. Nee. Fausha, en wat zou jij willen redden als jouw huis in brand stond? Mijn kinderen. Ja. Alleen mijn kinderen. En je maar? Je herinnert me eraan, maar ik weet het niet. Het eerste wat in me opkomt, mijn kinderen. Oh. Alle 3. Oké. En wat zou jij willen veranderen aan jouw opvoeding? Die ik heb gekregen van mijn ouders. Een heleboel. Ik heb... Laat me eerlijk zijn. Laat me je vertellen waarom ik zeg een heleboel. Ik heb geen prettige jeugd gehad. Er waren natuurlijk wel prettige momenten. Maar als ik terugdenk, was het een jeugd vol spanning en wrijving in huis. Omdat mijn ouders vaak vochten met elkaar. En het enige wat mij is bijgebleven, los van die prettige tijdstippen, om het zo te zeggen, was... ruzie, angst, spanning, maar heel veel angst en als kind al heel veel stress. Fausha, welke handeling in het verleden zou jij willen veranderen? Dit is een heleboel hoor, maar wat me nog steeds vaker dwars zit, is iets heel recentelijks. Als ik mijn zoon sla, als hij ondeugend is of ongehoorzaam en ik heb hem geslagen en 's avonds als ik hem zie slapen, heb ik zoveel spijt. En de volgende ochtend als ik weg ga om te werken, slaapt hij nog. En als ik aan het werk zit, dan denk ik terug, oh god, waarom heb ik jou geslagen? Ik ga het nooit meer doen. En dat is iets waarvan ik iedere keer spijt krijg. En als hij weer iets stals uithaalt, geef ik hem weer een tikje. Dus dat is iets gewoon dat blijft spelen in mijn leven. Schone emotionele reactie. Oké. Als jij in een zwembad mocht springen, waarmee moest dat zwembad gevuld zijn? Met rozen. Met rode rozen. Zo romantisch ben je. Ja. Weet je waarmee ik een zwembad zou willen vullen? Met witte chocola. Met witte chocola, mijn god. Er komen wel mieren op je. Nee, ik hou echt ontzettend veel van witte chocola. Ja, oké. Onze cameraman is Sagar Rewat en natuurlijk een woord van dank aan onze geweldige adverteerders. Wij zitten hier in de studio met Prashana Ramdhan. Prashana, waar werk je? Ik ben werkzaam bij Staatsolie als environmental engineer. En Prashana, wie zou jij graag willen ontmoeten en waarom? Ik wil heel veel mensen ontmoeten, maar ik zou als eerst
ik denk mijn eerste keuze is Shah Rukh Khan. Ja. Zeker een kerstdiner of anders. Het maakt niet uit wat voor diner, maar diner. Ja, een diner. Ja, een dinertje met Shah Rukh Khan. Prashanna, heb jij nog andere hobby's? Ja, ik hou van dansen, ik hou van zwemmen, ik hou van shoppen, ik hou van reizen en lekker eten. Nou, dat is heel spannend. Zoveel redenen om Prashanna als vriendin te hebben. En voor Prashanna, de volgende vraag. Prashanna, wat wil je nog bereiken voordat je sterft? Natuurlijk hopen we niet dat je zo snel sterft, maar welke dingen zou je nog willen bereiken? Ja, mijn eigen huis, mijn eigen perceel. Ik wil graag een kledingzaak waar ik leuke kleding kan verkopen tegen redelijke prijzen. Ik wil milieuprogramma's uitvoeren, milieu-awareness-programma's, vooral op de lagere scholen. Ik wil kinderen leren, leerlingen leren dat ze goed moeten omgaan met het milieu. Ze moeten respect hebben voor het milieu. Waarom ik dat wil doen, is we hebben een prachtig land en iedereen ziet het ook wat je langs de straten ziet. Je ziet zwerfafval, toch? Je ziet afval in de kanalen, in de sloten, vooral plastic afval. En ik wil de milieu-awareness op gang brengen. Zodat zij ook, dus het is jong geleerd, oud gedaan. Als je ze vroeg leert, dan kunnen ze dat meenemen en dan kunnen ze anderen ook leren. Ik denk dat je nu al ermee bezig bent met de boodschap die je zojuist hebt gegeven. Yes. Is er iets dat je steeds uitstelt, wetende dat het toch wel belangrijk is? Ja, en dat is volgen van mijn masteropleiding. Ik weet dat het heel belangrijk is, maar ik stel het op een of andere manier steeds uit. Ik denk dat jij niet de enige bent. Er zijn heel veel dames die ik ken en ontmoet die dat zeggen. Dus we moeten het echt gaan doen. Oké, Prashanna, is er iets dat je steeds probeert terwijl het niet lukt? Dus dat ik het steeds probeer en niet lukt? Er zijn dingen die ik probeer en niet lukken, maar ik geef niet op. Ik probeer het steeds, al duurt het langer. Stop ik heel veel tijd erin, maar ik geef niet op. Ik probeer steeds totdat het lukt. Weer zo'n mooie boodschap. Wijze woorden van Prashanna Ramdhan. En RBN stopt in het parade. En tot slot, Prashanna. Op welke gebeurtenis uit de toekomst verheug jij je? Of nog wat anders zeggen. Welke gebeurtenis uit de toekomst zou je willen bespoedigen? Wonen in mijn eigen huis. Wonen in mijn eigen huis. Ik verheug me ernaar. Het is Rappas Broadcasting Network, kanaal 5.1. Prashanna, bedankt voor het hebben willen delen van deze details uit jouw leven met ons, met onze kijkers. Het is RBN kanaal 5.1. Mijn naam is Fosha en tot de volgende keer. Voor parlementsvoorzitter Marinus B. is het duidelijk. Sergio Akinboto is geen DNA-lid meer. Hij mocht gisteren niet deelnemen aan de huishoudelijke vergadering van het college. Tegenover Dagblad Suriname geeft B. aan dat de zaak conform de wet wordt afgehandeld. De DNA-voorzitter stelt dat het hoofdstembureau van Brokopondo in kennis gesteld zal worden. Gisteren is het heftig aan toegegaan in het parlement. De NDP-fractie is het oneens met het standpunt van de leiding. De fractie verliet gisteren de zaal voor beraad. B. zegt desgevraagd hierover dat hij niet bepaalt voor de fractie. Ze geven invulling aan het parlementaire werk zoals zij denken dat het goed is voor het volk, zei B. kort. Het personeel van de centrale van de vissershavens in Suriname, CEVIAS, verenigd in de BP CEVIAS, is ongerust over het recent genomen besluit van LVV-minister Parmanan Seudin, waarin de bewindsman toestemming aan het visverwerkingsbedrijf Deepsea Atlantic heeft verleend om in het vervolg haar vissersboten niet langer bij CEVIAS NV te lossen, maar bij SEAL NV.
Het verlenen van deze toestemming aan Deepsea Atlantic door de minister is volgens de bond in flagrante strijd met de resolutie en creëert wanorde en onoverzichtelijkheid in deze sector. De werknemers van Sevilla zijn erg verhit en maken zich zorgen over het voorbestaan van het bedrijf. Geen enkel bedrijf zal een significante en abrupte terugval van 40% van haar inkomsten kunnen overleven, aangezien het wegvallen van Deepsea Atlantic met haar vloot een enorme financiële aderlating zal betekenen voor het bedrijf. BVL ALS-voorzitter Reshma Mangre is van mening dat de ruis in de samenleving met betrekking tot het onderwijs ontstaan is doordat er geen concreet plan merkbaar is. De bezorgdheid bij de leraren en ouders is terecht. Niemand weet wat er gedaan moet worden en dat zorgt ervoor dat er ruis ontstaat. Mangre heeft zondag een Zoom-meeting gehad met de leraren, waaruit blijkt dat het onderwijsministerie geen eenduidigheid hanteert op de scholen. Het ministerie geeft aan dat leraren de stof moeten afbakenen. Iedereen zal dit dan op zijn eigen manier doen. Uiteindelijk moet er wel uniformiteit zijn en dat is er nu niet. Mangre voert aan dat er evenmin evaluaties met de leraren heeft plaatsgevonden. Suriname heeft geen speciaal COVID-protocol voor tattooshops. In een reactie daarop zegt minister Amar Ramadien van Volksgezondheid tegenover Dagblad Suriname: "Ik denk van niet." Het blijkt lastig te zijn reacties te verkrijgen van tattooshops in Paramaribo. Een rondgang op social media laat zien dat een paar van deze bedrijven dagelijks berichten plaatsen op hun Facebookpagina. Daaruit zou geconcludeerd kunnen worden dat er gewoon tattoos worden gezet. Maar het gaat om een zogenoemd contactberoep en tattooshops zouden gesloten moeten zijn of open onder strikte COVID-maatregelen. Het is al langer dan een maand dat de meeste overheidskantoren gesloten zijn en daaronder lijden voornamelijk de bushouders. Een deel van de particuliere bussen worden vooralsnog niet ingezet omdat de kosten veel hoger zijn dan wat er verdiend wordt. Het is de werkende klasse die grotendeels gebruik maakt van het particulier busvervoer. Aangezien de tariefsaanpassing niet van de grond is gekomen, doen de particuliere bushouders een beroep op de regering om de betalingsachterstand in te lopen. De bushouders hebben behalve een achterstand van 2 maanden in de uitbetaling van het COVID-geld ook nog 3 maanden achterstand in de brandstofcompensatie. 2 uitgelekte missives van de Raad van Ministers van 6 augustus en 20 december 2020 inzake vergoeding voor het gebruik van de privéauto ten behoeve van de dienst voor de president, vicepresident en ministers hebben in de samenleving tot verontwaardigde reacties op social media geleid. In de missive van 6 augustus staat vermeld dat de president per dag 400 SED ontvangt, de vicepresident 445, een minister 275 en een onderminister 200 SED ontvangt. Een paar maanden later, per 20 december, werden de bedragen al fors verhoogd. De president ontvangt nu 750 per dag, de vicepresident 625, een minister 515 en een onderminister 375. Een rekensommetje leert dat de president maandelijks zo'n 22.500 per maand ontvangt wanneer hij zijn eigen voertuig gebruikt voor zijn werkzaamheden als president. Een minister ontvangt ongeveer 15.400 maandelijks. Op uitnodiging van de minister van Financiën en Planning heeft de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs haar commentaar gegeven op het Crisis- en Herstelplan 2020-2022. Het valt de SFB op dat het herstel van ons belastingsysteem in het CHP kennelijk volledig schijnt te worden opgehangen aan de invoering van de belasting toegevoegde waarde in Suriname. Invoering van de BTW kan mogelijk zeer welkom zijn voor het bereiken van differentiatie in de verdeling van de belastingdruk in de samenleving. De voorgenomen datum voor invoering van deze belasting lijkt echter zeer ambitieus, omdat de periode tot dat tijdstip te kort is voor een gedegen voorbereiding en implementatie van zo'n ingrijpende nieuwe belasting. Daarnaast lijkt het gevoel dat schijnt te heersen dat de BTW de gold standard is voor oplossing van al onze belastingproblemen zeer onwenselijk. Het werkt volgens de SFB contraproductief op het zoeken naar mogelijkheden om de heffing en inning van bestaande belastingen efficiënter te maken. Het aantal personen
dat dinsdag COVID-19 positief is getest, bedraagt 48, aldus de COVID-website van de gezondheidsautoriteiten dinsdagavond. Er zijn 297 tests uitgevoerd dinsdag. 68 patiënten zijn dinsdag genezen verklaard. Het aantal personen niet positief getest, dat al zeker 2 weken onveranderd op 839 stond, wordt tijdelijk niet aangegeven op de COVID-website. Op de intensive care units bedraagt het aantal patiënten 21 en 85 personen worden buiten ICU's verpleegd in de ziekenhuizen. 151 positief geteste personen bevinden zich in isolatie. Het totaal aantal positieve besmettingen sinds de aanvang van de COVID-pandemie bedraagt 8.497. In gesprek met Dagblad Suriname prijst vooral voormalig president Ramdin Sarju zijn opvolger Chandrika Persat Santokhi als VHP-voorzitter en huidige president van de Republiek Suriname. De erevoorzitter van de VHP gaf aan dat het recente signaal tot activiteiten van VHP-voorzitter Santokhi één is van goed inzicht van een politicus en staatsman. Sarju reageert hiermee op de oproep van president Santokhi om in 2025 te gaan voor minimaal 28 zetels in alle districten van ons land. Je kan niet 6 maanden voor de verkiezingen beginnen met activiteiten. Het is goed om doelgericht naar een punt te gaan. Door de stellingname om nu al de blikken te richten op de verkiezingen van 2025, betekent dat er een analyse gemaakt kan worden in diverse sectoren en probleemgebieden van de samenleving.